अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग की, जिसमें कि हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी नंबर एसोसिएट होता है। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग जो होती है वो दो तरह से अप्लाई हो सकती है। एक तो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स होते हैं, एक नॉन प्रीएम्प्टिव। एक प्रीएम्प्टिव सिस्टम्स होते हैं, एक नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम्स होते हैं। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का डिफरेंस तो हमको पता ही है कि प्रीएम्प्टिव सिस्टम्स में हम किसी रनिंग प्रोसेस को फोर्सफुली सीपीयू से हटा सकते हैं और दूसरे प्रोसेस को लेकर आ सकते हैं, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में जब तक कि वो प्रोसेस खुद से नहीं हटता है उसको फोर्सफुली नहीं हटाया जा सकता। तो दो ही तरीके होते हैं प्रोसेस के नॉन प्रीएम्प्टिव में हटने के, या तो वो खुद से टर्मिनेट हो जाए या फिर उसको किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़े तभी वो हटता है, या फिर वो किसी इवेंट के अकर होने का इंतजार करता है तब वो सीपीयू को छोड़ता है, अदरवाइज वो प्रीएम्प्ट नहीं करता है। तो प्रोसेस प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के अंदर क्या होता है कि प्रायोरिटी नंबर दे दिया जाता है हर प्रोसेस को। तो प्रायोरिटी के हिसाब से, अच्छा इसमें प्रायोरिटी की जो वैल्यू होती है, नंबर की जो वैल्यू होती है वो प्रायोरिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी प्रायोरिटी लो होगी। यानी कि मुझे हाई प्रायोरिटी अगर सेट करनी है और 1 से 10 तक की वैल्यूज हैं, तो मैं हाई प्रायोरिटी सेट करने के लिए 1 जो है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू 5। इसी तरह से अगर कोई प्रोसेस 10 या 9 प्रायोरिटी वाला आ जाता है और बाकी दूसरे प्रोसेस जो हैं वो 5 और 6 प्रायोरिटी के हैं, तो इसका मतलब 5-6 प्रायोरिटी जो है वो नंबर हाई, प्रायोरिटी हाई है एज़ कम्पेयर टू 9 और 10। लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गो को अगर हम सिंपलेस्ट वे में फॉलो करें तो एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होती है कि अगर सिस्टम में ऐसे ही प्रोसेस आ रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी हाई है और लो प्रायोरिटी प्रोसेस को याद जाता है, तो लेट्स से अज्यूम करते हैं कि अगर एक ऐसा प्रोसेस आ गया जिसकी प्रायोरिटी मैंने सेट की है 10, लेकिन और कोई सिस्टम में अब जितने प्रोसेसेस आ रहे हैं सबकी प्रायोरिटी 10 से हाई है, यानी कि किसी की 7 आ रही है, 8 आ रही है, 9 आ रही है, 1, 2, 3, 4 आ रही है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो प्रोसेस विथ 10 प्रायोरिटी है ये इसको कभी भी मौका नहीं मिलेगा एग्जीक्यूट होने का। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टारवेशन। अब इस स्टारवेशन का सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एजिंग, कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाए हम उस लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज करते चले जाएं। जैसे कि 10 पे आया है तो हम थोड़े टाइम के बाद उसकी प्रायोरिटी को हम 9 सेट कर दें, फिर 8 कर दें, फिर 7 कर दें। इस तरह से क्या होगा कि कभी ना कभी उसकी प्रायोरिटी जो है वो दूसरे प्रोसेसेस के इक्वल आ जाएगी और उसको एग्जीक्यूट होने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल्स के जरिए से हम समझते हैं कि प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग किस तरह काम करती है। यहाँ P1, P2, P3, P4, P5 प्रोसेसेस हैं, बस टाइम गिवन है और उनके साथ अलग से एक प्रायोरिटी नंबर एसोसिएट है। तो सबसे लो प्रायोरिटी, यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोसेस सब अराइव एक ही टाइम पर हुए हैं, तो सबसे लो प्रायोरिटी है P2 की, तो सबसे पहले उसको चांस मिलेगा एग्जीक्यूट होने का, और पहले P2 होगा, फिर उसके बाद P5 होगा क्योंकि P5 की प्रायोरिटी 2 है, फिर P1 होगा, फिर उसके बाद क्योंकि P1 की प्रायोरिटी नंबर 3 है, उसके बाद P3 होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 4 है, और उसके सबसे लास्ट में P4 होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 5 है। यहाँ पे अगर हम इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं प्रोसेसेस को, तो एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो 8.2 मिलीसेकंड आ रहा है। वेटिंग टाइम निकालने का तरीका वही है कि P2 ने कितना वेट किया, 0 टाइम वेट किया, फिर P5 जो एग्जीक्यूट हुआ 1 पे, तो जाहिर है P5, हम ये अज्यूम करें कि सारे प्रोसेसेस जो है वो 0 टाइम पे अराइव किया है 5 प्रोसेसेस ने एक साथ, ठीक है, तो एवरेज वेटिंग टाइम निकाला है। तो P5 का वेटिंग टाइम 1 है, P1 का वेटिंग टाइम 6 है, P3 का 16 है और P4 का 18 है। तो इन वेटिंग टाइम को हम प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.2 मिलीसेकंड। फिर उसके बाद जो है प्रायोरिटी नंबर अलग से लगाने के बजाय एक और तरीका ये होता है कि हम जो बर्स्ट टाइम है, जो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है, उसी को प्रायोरिटी कंसिडर करें और हम शॉर्ट प्रोसेसेस को पहले एग्जीक्यूट होने का मौका दें। तो इस तरह से क्या होगा कि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो और भी बेहतर हो जाएगी। तो इस
शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इस एल्गोरिथम को कहते हैं प्रायोरिटी स्केजुअलिंग के अंदर जो एक और एल्गो आता है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो प्रीएम्प्टिव एसजेएफ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।